Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic of bones and joints pathology, that is osteoporosis. हमने joints की disease osteoarthritis पढ़ ली थी. इसके बाद हम bones की disease पढ़ लेते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं osteoporosis. में क्या हो रहा होता है? It is used to note quantitative reduction of bony tissue mass. Bony tissue mass का अगर quantitative reduction होने लग जाता है तो उससे जो बीमारी हो रही है वो osteoporosis. देखिए नाम से पता चल रहा है, osteo मतलब bone, porosis मतलब pores बन जाना, bones में पोर बन जाते हैं जिससे वो कैसी हो जाएगी, fragile हो जाएगी, brittle हो जाएगी, भृंगुर हो जाएगी. It is a metabolic skeletal disease. ये बोन्स में होने वाली एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें लो बोन डेंसिटी देखने को मिलती है, माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन हो जाता है बोन टिश्यू का जिसकी वजह से बोन में फ्रेजाइलिटी बढ़ जाएगी. फ्रेजाइल हो जाना मतलब भृंगुर हो जाता है और बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बोन में डेंसिटी कम हो जाती है, माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन हो जाता है बोन टिश्यू का और वो फ्रेजाइल हो जाती है. कहाँ कहाँ देखने मिलता है? वर्टेब्रे में, रिस्ट में और हिप्स रीजन के अंदर. ये कॉमन साइट है जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि पोर्स बन गया और उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो बोन फ्रेजाइल, बोन्स प्रोन टू फ्रेजाइल फॉर इजी फ्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी, मोस्टली एल्डर इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलता है. उनमें भी स्पेशली वुमेन के अंदर ये इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस को अगर आप क्लासिफाई करोगे तो वही दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी जिसका एग्जैक्ट कॉज आपको नहीं पता होता है, फिर भी थोड़ा बहुत जेंडर, जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, एस्ट्रोजन का कम होना, कैल्सिटोनिन का कम होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जानी और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, क्रॉनिक एनीमिया, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, अदर्स जैसी चीज़ें हो सकती है. एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम आती क्या है, ये जितने फैक्टर्स होते हैं ना वो बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन में इम्बैलेंस ले आते हैं. इम्बैलेंस बिटवीन द बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन, वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी चीज़ें जिससे कि एक्सेसिव बोन का रिजॉर्प्शन होगा और बोन वीक हो जाती है. ये ऑस्टियोपोरोसिस बोन में होता हुआ दिखाया गया. ये देखो छेद छेद से बन गए ना, कितना अच्छा डाइग्राम है. पैथोफिजियोलॉजी, भाई मैंने कहा बोन रीमॉडलिंग में अगर लंबे समय से इम्बैलेंस आ रहा होता है तो ये बीमारी दिखाई देती है. बोन रीमॉडलिंग हालांकि इंडिविजुअल के पूरे लाइफ टाइम में थ्रू आउट चलती रहती है. नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोक्लास और ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा बैलेंस स्टेट में रहती है. ऑस्टियोक्लास मतलब बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मेशन. क्लास मतलब टूटना, ब्लास्ट मतलब बनना, और ये चीज़ें हर वक्त एक बैलेंस स्टेट में रहती है. बोन घसती जाएगी नहीं बनती जाएगी, घसती जाएगी नहीं बनती जाएंगी. ये रीमॉडलिंग है. नॉर्मल बोन रीमॉडलिंग एडल्ट के अंदर हो रहा होता है जिससे कि बोन मास जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है 30 साल की उम्र तक. एज के साथ पीक बोन मास ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जिसमें कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन, पीटीएच, ये सब कैल्सिटोनिन एस्ट्रोजन कम हो रहे होते हैं, पीटीएच बढ़ रहा होता है. कैल्सिटोनिन बोन रिजॉर्प्शन को रोक देता है. कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? बोन के रिजॉर्प्शन को रोकना, यानी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को रोक देता है और बोन फॉर्मेशन को वो प्रमोट करता है. और यहाँ पर क्या हो गया, कैल्सिटोनिन कम हो गया तो बोन बन नहीं पाएगी और रिजॉर्ब जल्दी हो जाएगी. एस्ट्रोजन भी बोन ब्रेकडाउन को रोकता है, पर एस्ट्रोजन भी उम्र के साथ में कम हो जाता है फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज के बाद में. पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या हो जाता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाते हैं इन लोगों में जिससे कि बोन टर्न ओवर बढ़ जाता है, रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है. अब देखिए ये जो बोन की रीमॉडलिंग हो रही होती है प्यूबर्टी में, अच्छे से बढ़नी, बचपन से बढ़ रही प्यूबर्टी तक बढ़ गई, बोन पीस का मास जो है 30 साल की उम्र तक खूब अच्छे से हो रहा होता है, पर 50 साल की उम्र तक आते आते ये कम होना स्टार्ट हो जाता है और फिर और ज़्यादा कम हो जाता है ओल्ड एज के अंदर. अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, तो देखिए फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा देखा जाता है. मोस्टली बोन के डिसऑर्डर अपन यही पढ़ रहे हैं, फीमेल्स 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 में बहुत ज़्यादा होता है.
उम्र बढ़ने के साथ साथ हो रहा होता है। अगर आप कैल्शियम विटामिन डी वगैरह खाने में नहीं लेते हैं तो उनमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए, मीनोपॉजल कंडीशन आ जाए तब भी ऐसा होगा। अगर फैमिली हिस्ट्री कहीं होगी, खानदानी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी चल रही है तब भी ऐसा देखा जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते हैं, कम करते हैं, उनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं बहुत ज़्यादा, कंजम्पशन में पी आएगा बच्चों, बी को ठीक कर लीजिएगा, टेक्निकल ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मेडिकेशन जैसे कुछ कॉर्टिको स्टीरॉयड्स, एंटी सीजर्स जो लोग ले रहे होते हैं, नहीं लेनी चाहिए दवाइयाँ ज़्यादा, तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। पढ़ी है ना अपने ये मेडिसिन्स, फार्मेकोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। या जिनका लो वेट होता है, बॉडी मास इंडेक्स कम होता है, उनमें भी ऐसे चांसेस बढ़ते हैं। और भी कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के साथ भी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या हैं, तो मैंने आपको बताया ना दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को इडियोपैथिक भी कहते हैं, ये एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस है मोस्ट कॉमनली। अब देखो यंग एडल्ट्स में पोस्ट मोनोपोजल वीमेन और सिनाइल, बूढ़े लोगों को सिनाइल वर्ड उनके लिए यूज़ होता है। पोस्ट मीनोपोजल में होता है उसको टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और बुढ़ापे में होता है टाइप 2 ऑस्टियोपोरोसिस वो कहलाता है। दूसरा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, वो तो प्राइमरी था। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में डिजीज स्टेट मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन कंडीशन से, रिनल डिजीज से, जीआई लीवर की डिजीज़ हो जाए, या बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। मेटाबॉलिक कंडीशन में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन जो अच्छा प्रॉपर भोजन नहीं ले रहे हैं, आजकल के युवा जो फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, यंगस्टर्स में ऐसी टेंडेंसी होती है, तो उनमें बहुत यंग एज के अंदर ही ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे बढ़ जाते हैं। या फिर स्कर्वी किसी को है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, पता है ना आप लोगों को। एंडोक्राइन कंडीशन, हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा किसी पर्सन को अगर रीनल डिजीज़ रहती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिवर डिजीज़ की रहती है, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के अंदर ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे कि फिनोबार्बिटल, थायराइड हॉर्मोन्स, कॉर्टिको स्टीरॉयड्स, ऐसी दवाइयाँ जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करवा सकती है। लाइफस्टाइल अगर आप चेंज कर लो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लो, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, न्यूट्रिशन में आ रहेगा। न्यूट्रिशन जो लोग नहीं लेते, अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिविटी, हर वक्त पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, दिन भर बैठे रहने का जिनके जॉब होता है उनमें ऐसा हो जाता है, इमोबिलाइजेशन, हिला डुला नहीं रहे हैं अपने शरीर को बिल्कुल भी, या बहुत ज़्यादा कैफीन का अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत कॉफ़ी वगैरह आप पीते रहते हैं, तब भी ऐसा आपके अंदर हो सकता है। मिसिलिनियस रिमेटोइड आर्थराइटिस के साथ में भी ये जुड़ी हुई कंडीशन है। अब साइन एंड सिम्टम, ऑस्टियोपोरोसिस को अपन साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बोन मास कई काफ़ी साल पहले ही ख़त्म होना बंद हो जाता है, और उसमें अपने साइन सिम्टम और नहीं दिखते, हमें पता और नहीं चलता कि हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, चल रहा है, इसलिए इसको अपन साइलेंट डिजीज़ कहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हाइट कम होनी स्टार्ट हो जाती है, बैक में पेन रहने लग जाता है, और वर्टिब्री कोलैप्स हो जाती है, जुड़ जाती है, चिपक जाती है, अपने तो अच्छे से खासी वर्टिब्री है एकदम नॉर्मल, वर्टिब्री कोलैप्स को अपन डोवेगर्स हम्प कहते हैं, तो झुक जाती है ऐसे लोगों की, झुकी हुई कमर बन जाती है। ये डायग्राम देख लीजिए आप, डिफॉर्मिटी आ गया, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, नॉर्मल पर्सन अब सीधा खड़ा रहता है, यहाँ पर झुकना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा झुक गया। आपने अगर एक साउथ की मूवी देखी हो आई, तो उसके अंदर ये हम्प वाली कंडीशन दिखाई थी, मौका मिला देखना हम्प कैसे होता है, उसमें बताया गया था। अब इस ऑस्टियोपोरोसिस को आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, एक्सरे, रेडियोग्राफी, यूएसजी, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, एब्जॉर्प्शियोमेट्री के थ्रू आप कर सकते हो। एक्सरे में बोन डेंसिटी का पता चल जाएगा, रेडियोग्राफी में बोन मास यानी ऑस्टियोपिनिया का पता चल जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी बोन डेंसिटी का पता लगा सकते हो, और इस डेक्सा ये एक प्रेफर मोडेलिटी है बोन मिनरल डेंसिटी यानी BMD को मेज़र करने का अच्छा मेथड है।
तो डायग्नोस के साथ ख़त्म। मैंने आपको बताया पैथो मैम को ट्रीटमेंट मैनेजमेंट तो कुछ पढ़ना नहीं होता, वो आपको MSN के अंदर पढ़ना होता है। तो इसके साथ ही आपका ये ऑस्टियोपोरोसिस नाम का टॉपिक ख़त्म। एक और चीज़ बता दूँ कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, वो फीमर की नेक के फ्रैक्चर के साथ में वर्टिब्रल क्रश फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ रिस्ट, आर्म एंड अदर्स के साथ में जुड़ी हुई होती है। बस इसके साथ आपका टॉपिक ख़त्म। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना।